जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ फ्रेंडशिप डे है, तो हमने सोचा क्यों ना ओ हेनरी की फेमस क्लासिक आफ्टर 20 इयर्स आपके लिए लेकर आए, जो दो दोस्तों की कहानी है। ये कहानी सुनिए और बताइए कमेंट सेक्शन पर कि ये आपको कैसी लगी। और अगर आप हमें YouTube पर सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वो बेल आइकन है ना उसके बाजू में, वो प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमें Spotify पर सुन रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। तो पेश है आफ्टर 20 इयर्स बाय ओ हेनरी, ओनली ऑन कहानी स्वाद अनुसार। कहानी स्वाद अनुसार। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर किसी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। एक पुलिस ऑफिसर अपने ही ठाट में बेफिक्र होकर रास्ते से जा रहा है। इसी तरह वो रोज चलते हुए जाता था। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि वो कैसा दिख रहा है। वैसे उसे देखने के लिए वहां कुछ लोग थे, पर उनकी उसे परवाह नहीं थी। रात के 10 बजने वाले थे और ठंड भी काफी बढ़ गई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। वो रुककर हर एक दुकानों और रेस्टोरेंट के दरवाजों को चेक कर रहा था कि वो ठीक से बंद है या नहीं। वो रास्ते के कभी बाएं देखता तो कभी दाएं, कभी ऊपर देखता तो कभी नीचे। वो एक चौकन्ना और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, जो यही कोशिश कर रहा था कि शहर की शांति बनी रहे। इस शहर के ज्यादातर लोग घर जल्दी जाया करते हैं। वैसे कभी कभी आपको दुकानों और रेस्टोरेंट की रोशनी दिख जाएगी, पर वो कई घंटों पहले बंद हो चुकी है। पुलिस ऑफिसर ने अचानक अपनी चाल धीमी की। उसने देखा कि दुकान के बंद दरवाजे के पास अंधेरे में कोई एक आदमी खड़ा है। जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने तुरंत ही कहा, सब ठीक है ऑफिसर, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। 20 साल पहले हमने आज रात इसी जगह मिलने का वादा किया था। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको समझाता हूँ। 20 साल पहले इसी जगह जहाँ ये दुकान है वहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जोज ब्रैडी रेस्टोरेंट। पुलिस ऑफिसर ने कहा, 5 साल पहले तक रेस्टोरेंट यहीं पर था। जो आदमी दरवाजे के पास खड़ा था उसका चेहरा चौकोर एवं रंग फीका था। चमकदार आंखें और दाहिनी आंख के पास एक सफेद दाग भी था, और गले में सोने का हार। उस आदमी ने कहा, इसी रात 20 साल पहले मैंने जिमी वेल्स के साथ डिनर किया था। वो मेरा सच्चा दोस्त, सच्चा यार था। पूरी दुनिया में उसकी तरह कोई नहीं था। वो और मैं इसी न्यूयॉर्क में दो भाइयों की तरह पले बढ़े। मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का। दूसरे ही दिन मैं विदेश जाने वाला था। मैं वहां नौकरी करके तरक्की करने वाला था, लेकिन जिमी को न्यूयॉर्क से निकालना बहुत मुश्किल था। उसे लगता था इससे बाहर कोई दुनिया ही नहीं। हमने तय किया कि 20 साल बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे। हमें लगा कि 20 सालों में तो हमें पता लग जाएगा कि हम किस तरीके के आदमी हैं और भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आएगी। सुनने में तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़े ही लंबे अरसे के बाद मुलाकात। वाह, तो इन 20 सालों में कभी बात नहीं हुई अपने दोस्त से? उस आदमी ने कहा, हाँ, हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे, पर एक दो साल के बाद वो भी बंद हो गया। असल में विदेश में करने के लिए बहुत कुछ था। काफी जगह घूमा मैं, काफी तरक्की की मैंने, और मैं ये जानता हूं कि मेरा दोस्त आज मुझसे मिलने जरूर आएगा, क्योंकि वो वादों का पक्का है, वो कभी नहीं भूलेगा। मैं हजारों मील तय करके यहां आ जाया हूं, और मुझे इस बात की खुशी होगी कि वो मुझसे मिलने आया। उस आदमी ने अपने पॉकेट से एक घड़ी निकाली जो छोटे से सोने के डिब्बे में थी। 10 बजने में अब सिर्फ 3 मिनट बाकी है। उस दिन ठीक 10 बज रहे थे जब हमने एक दूसरे को अलविदा कहा था। विदेश में आपने काफी तरक्की की होगी, है ना? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। हाँ बिल्कुल,
और मैं जानता हूं कि जिमी ने भी कुछ छोटा मोटा तो कर ही लिया होगा। वो वैसे भी कोई चीज जल्दी नहीं सीख पाता था, पर मुझे भी तरक्की आसानी से नहीं मिली, मुझे भी काफी मशक्कत करनी पड़ी है। न्यूयॉर्क में लोग बदलते नहीं है, रहना आसान है, पर विदेश में आपको कुछ पाने के लिए लड़ना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर ने 2 कदम पीछे लिया और कहा, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे आशा है कि आपके दोस्त जरूर आएंगे। वैसे अगर वो 10 बजे तक नहीं आए तो क्या आप चले जाएंगे? नहीं, मैं और आधा घंटा इंतजार करूंगा, पर मुझे यकीन है कि जिमी अगर जिंदा है तो मुझसे मिलने जरूर आएगा। गुड नाइट ऑफिसर। ऑफिसर ने भी कहा, ओके, गुड नाइट, और वहां से चला गया। ठंड बढ़ती जा रही थी, बारिश हो रही थी और हवा भी तेज चलने लगी थी। कुछ लोग जो रास्ते से जा रहे थे वो जल्दी से इधर उधर भागने लगे। वो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था जो अपने बचपन के दोस्त का इंतजार कर रहा था। जरूरी नहीं कि मुलाकात हो, पर फिर भी वो खड़ा रहा। उसने 20 मिनट तक इंतजार किया और तभी एक लंबा आदमी लंबा कोट पहनकर जल्दी से चलते हुए जा रहा था। वो तुरंत ही उसी आदमी से जाकर मिला। क्या तुम बॉब है? उस लंबे कोट वाले आदमी ने पूछा। क्या तू जिमी वेल्स है? वो दरवाजे वाले आदमी ने पूछा। उस नए आदमी ने अपने हाथ को दूसरे आदमी के हाथ पर रखा और कहा, बॉब, हाँ तू है दोस्त। मुझे यकीन था कि अगर तू जिंदा है तो मुझे यहीं मिलेगा। 20 साल लंबा समय होता है। पुराना रेस्टोरेंट तो अभी बंद हो गया। बॉब, काश वो होता तो साथ मिलकर यहीं डिनर करते, सुख दुख की बातें करते। क्या विदेश ने तुझे सही से पाला है कि नहीं? उसने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था, पर तुम बदल गए हो जिमी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लंबे हो जाओगे। ओ हाँ, थोड़ी हाइट बढ़ गई है। सब ठीक तो है ना न्यूयॉर्क में? हाँ बिल्कुल, मैं इसी शहर के लिए काम करता हूँ। चलो बॉब, एक सही जगह जानता हूँ मैं, वहीं बैठकर डिनर करते हैं, कुछ नई पुरानी बातें करते हैं। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े। विदेश से आया हुआ आदमी अपनी कहानी शुरू करने जा रहा था। दूसरा व्यक्ति, जिसके कोट का कॉलर मुंह तक पहुंच रहा था, वो कहानी सुनने के लिए बेताब था। कोने पे एक दुकान थी जहां रोशनी की कोई कमी नहीं थी। जब वो उस दुकान के करीब आए तो उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा। विदेश से आए हुए व्यक्ति ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे ले लिया। उसने कहा, तुम जिमी वेल्स नहीं हो सकते। 20 साल में एक आदमी बदल सकता है, पर इतना नहीं बदल सकता कि उसकी नाक बदल जाए। पर कभी कभी एक अच्छे इंसान को बुरा जरूर बना देती है। हम तुम पर 10 मिनट से नजर गड़ाए बैठे थे बॉब। शिकागो के पुलिस को लगा था कि तुम न्यूयॉर्क आने वाले हो। उन्होंने हमसे कहा था कि तुम पर नजर रखे, तो क्या आप चलेंगे मेरे साथ शांति से? पर उससे पहले मुझे किसी ने तुम्हें कुछ देने को कहा था। तुम इसे यहीं खिड़की के पास पढ़ सकते हो। ये पुलिस ऑफिसर वेल्स ने मुझे दिया था। विदेश से आए हुए व्यक्ति ने उस छोटे से चिट्ठी को खोला और पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांप रहे थे। उसमें लिखा था, बॉब, मैं ठीक उसी टाइम पर उस जगह पर आया था, पर मैंने उस आदमी का चेहरा देखा जो शिकागो पुलिस के लिस्ट में वांटेड था। मैं खुद तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मैं गया और काम को अंजाम देने के लिए दूसरे पुलिस ऑफिसर को भेजा, तुम्हारा दोस्त जिमी। आप सुन रहे थे कहानी आफ्टर 20 इयर्स, रिटन बाय ओ हेनरी, नरेटेड बाय शॉमिन, वॉइस ऑफ बॉब राहुल चावला, वॉइस ऑफ पुलिस ऑफिसर 1 एंड जिमी वेल्स रोहित, वॉइस ऑफ पुलिस ऑफिसर 2 मयंक, वॉइस ऑफ क्रेडिट अक्षरा मेनन, साउंड डिजाइन रोहित, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड डायरेक्टेड बाय रोहित एंड शॉमिन।